Good morning, dear students. So, in this video, I'm going to share how to represent root 9.3 on number line. So, all of you are to construct this construction on your fair notebook. So, I will check your notebook on Monday. So, let us start. Represent root 9.3 on number line. So, what is your first step, students? आपको 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, रूट 9.3 को. तो अगर आपको 9.3 गिवन है ना, तो आपने साइड कितनी लेनी है, 10.3. काइंडली नोट दिस स्टेप. अगर आपकी साइड 9.3 है तो आपको एक एक्सटेंड करके लेना है. आई होप दिस इज क्लियर. आपको साइड को एक्सटेंड करके लेना है. पहले कितना था, 9.3. सी दिस वॉज द 9.3 और आपको लेनी कितनी है साइड, 10.3. एक नंबर, एक यूनिट आप एक्सटेंड करके लोगे अगर आपको ये क्वेश्चन करना है. मैंने इसको टू कलर्स में डिवाइड कर दिया है. अब जो आपकी ब्लू लाइन है वो 9.3 है, हमें एक सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, तो मैंने यहाँ पर 10.3 साइड ले ली है. ठीक है. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इस साइड को हाफ करना है. अब देखिए हाफ कितना होगा, 5.1. ठीक है, हाफ कितना होगा, 5.1. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अब 5.1 अपनी कंपास को उठाकर हम यहाँ पर इसको 5.1 पर लेके आएंगे. यू कैन सी मैंने कंपास की टिप ली और मैंने उसको कहाँ पे रख दिया, 5.1 पे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना रेडियस डिसाइड करेंगे. रेडियस हमें कितना लेना है, हमने हाफ किया ना. अब ये देखिए यहाँ पे मैंने टिप रख ली है. अब मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है. क्या करना है, मुझे सर्कल ड्रॉ करना है. सो लेट अस स्टार्ट ड्राइंग दिस सर्कल. तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. यू कैन सी आई हैव ड्रॉन वन सेमी सर्कल. तो मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है. सी दिस इज माई सेमी सर्कल. इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए आपकी फिगर काफी हद तक कंप्लीट हो गई है. ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 9.3 को, और ये जो रेड लाइन है ये वाली, ये 1 सेंटीमीटर हमने एक्स्ट्रा लिया है. अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे. यू कैन सी मैंने इसकी लेबलिंग कर दी है. दिस इज ए पॉइंट. ये जो मिड पॉइंट था 5.1 वाला, 5.1 आपको पता है ना, मैंने जो 10.3 पूरी साइड थी उसका मैंने हाफ किया. 10.3 का हमने क्या किया, हाफ किया, तो हमें 5.1 मिल गया. ठीक है, तो उसको हमने डी से डिनोट किया. अब बेटा हमने क्या करना है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आपको बी पर, बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. आप प्रोटेक्टर से करिए, कंपास से करिए, जैसे मर्जी करिए. ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट बन गया ना. अब आप अपनी कंपास को लोगे और जो कंपास की जो टिप है, कंपास की टिप को रखोगे यहाँ पर बी पॉइंट पर, और कंपास की टिप को बी पॉइंट पर रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसकी, इसका जो रेडियस है वो मेजर करेंगे. देखिए कैसे करना है. देखिए बी पॉइंट पर, सॉरी बी पॉइंट पर रखकर आपको इस तरह से रेडियस मेजर करना है. यू कैन सी दिस. ठीक है, रेडियस मेजर करने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक आर्क लगानी है. देखिए ऐसे, सी लाइक दिस, हमने एक आर्क लगा ली. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. पहले हमने बी पॉइंट पे रखा, इस परपेंडिकुलर की लेंथ को मेजर किया और एक मैंने एक आर्क लगा ली. ठीक है, आर्क लगाने के बाद हमारी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट डन है. हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक, ये जो हमारी आर्क बाहर को जा रही है ना, हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. मैं कलर चेंज करके बनाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए. सी ये लाइन जो थी ना, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे. यू कैन सी हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे. तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, दिस पॉइंट इज ई पॉइंट. दिस पॉइंट इज ई. तो ये जो ए ई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग रूट 9.3. स्टूडेंट हमारी कंस्ट्रक्शन खत्म है. ये साइड हमारी कितनी थी, 9.3. आई एम अनेबल टू राइट, यू कैन अंडरस्टैंड. और ये साइड हमारी 1 थी, बी सी इज 1. और ओवरऑल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 9.3 को. दिस बी ई, ये जो ई पॉइंट है, तो देखिए ये जो बी ई है ना,
वी बी सी कितना था? 1 सेंटीमीटर. बी सी वॉज 1 सेंटीमीटर. तो ये जो बी ई है ना, बी ई इज √9.3. बी ई इज √9.3. तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन. अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके इसको बना सकते हो. इट्स नॉट सो टफ. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द क्लास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.